फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी है रोहित शेट्टी की, तो धमाका तो बनना जरूरी है ही। सिंघम आई थी, सिंघम रिटर्न्स, फिर सिम्बा, और अभी आ रही है सूर्यवंशी। अक्षय कुमार को ऐसा वर्दी में देखने का पहले से शौक था ही, वो एक ही बार देख पाए लेकिन सेकेंड टाइम देख नहीं पाए, तो अभी अच्छा लग रहा है कि वापस वर्दी में आ रहे। बट एक प्रॉब्लम है कि ईद भी आ रही है, अभी ये पता नहीं ईद कौन सी है, कि रमज़ान वाली ईद है या दूसरी वाली ईद है। अगर रमज़ान वाली ईद है तो शायद इन लोग को डेट शिफ्ट करनी पड़ेगी। नहीं अभी तो फिलहाल अभी तक तो कोई आए नहीं ईद पे क्लैश करने के लिए, सब लोग आगे चले गए। तो ये फिल्म भी अगर ईद पे आएंगी या तो सलमान खान की मूवी नहीं होंगी या तो ये लोग आगे बढ़ा देंगे। बहुत बहुत ज़्यादा है एक्सपेक्टेशन इतना हाई है कि जैसे फर्स्ट टाइम रणवीर सिंह आ रहे थे तभी तब हाइप इतना खड़ा हो गया था कि देखने मज़ा आ जाएगा देखने कि क्या होगा कैसे होगा। और अभी रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार आ रहे हैं, और अक्षय कुमार को एक्शन में ये सब खिलाड़ी ऑफ आर बॉलीवुड, तो खिलाड़ी रूप में थोड़ा देखना चाहते थे, और फाइनली ऐसा कुछ आ रहा है। पेट्रियाटिक मूवीज़ बहुत हो चुकी थी, तो अभी चाहिए था कि कुछ एक्शन वाली मूवी आ जाए, और फाइनली वैसी आ रही है। रोहित शेट्टी की फिल्म में तो एक्सपेक्ट करेंगे तो धमाकेदार गाने, हार्ड कोर बैकग्राउंड म्यूजिक, हार्ड कोर एक्शन, और एक ज़बरदस्त अजय देवगन की एंट्री। आई डाउट कि सिम्बा का नहीं होना चाहिए कैमियो, बिकॉज रणवीर सिंह का भी छोटा सुपरस्टार है, तो बड़ा सुपरस्टार बनेगा तो बात अलग हो जाएगी, क्योंकि रणवीर सिंह अभी सिम्बा में अजय देवगन आ गए, लास्ट में अक्षय कुमार आ गए, तो ठीक है छोटी वाले में बड़े लोग आ गए, बड़े पिक्चर में छोटे लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। तो आई डोंट थिंक सो कि रणवीर सिंह का कैमियो इसमें होना चाहिए। kind of family है, तो आपको नहीं लगता है? नहीं गोलमाल फैमिली ठीक है, गोलमाल लोग आ जाएंगे तो अच्छा मज़ा आ जाएगा, बट रणवीर सिंह कैमियो में नहीं आना चाहिए।